हाय फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक ऊपर रखूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबको मेरे चैनल अंतरंग क्रिएशन पे स्वागत है। मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो इतने तक हमने ये पिछले वीडियो में फिनिश किया था, सॉरी मैंने एंड नहीं किया है, उसके पहले वो वीडियो बना रही हूँ। देखो अभी हमें इतना ही काफ़ी है, फिर हम तो बोल रहे थे मुकेश वर्क भी करना है और कॉइन वर्क भी करना है। तो हम वीडियो में देखते हैं कैसे वो दो बॉर्डर लाइन स्टिच करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो इसमें भी मैं 6 strand ऑफ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर का कॉटन थ्रेड है ये। अभी देखो सेंटर में तो सर्कल ड्रॉ किया है, तो आपको आप लोगों को पता हो मोस्टली मैं तो कील स्टिच ही यूज़ करती हूँ। तो इस बार भी मैं कील स्टिच ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं है, तो इस टाइप का स्टिच ही हम यूज़ कर सकता है। अभी ऐसे कील स्टिच करने के लिए पहले हमें फांडा स्टिच करना पड़ता है। फांडा स्टिच के लिए थोड़ा बड़ा, मतलब वो फांडा है ना चिकना फांडा कर दे, चिकना फांडा कुछ बड़ा ही करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो भी कुछ ज़्यादा ही बार, कितने बार कर सकता है उतने बार करो, मतलब अच्छे से मोती की तरह, एक पर्ल की तरह, हाफ कट बीट की तरह वो आ जाएगा तो ही वो बहुत क्यूट लगता है। मतलब ऐसा ही करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से प्रोजेक्ट करने की तरह करना पड़, जितने बार करके वो ऐसा इफेक्ट आता है उतने बार करो। वही ही स्टिच का मेन क्या बोलते हैं वो अच्छी, उसका करेक्ट वो कील स्टिच वैसा ही होता है, वो अच्छे से प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर देखो ऐसे स्पाइक, इसके राउंड में बॉर्डर में ऐसे स्पाइक देते हैं। स्पाइक करने के लिए हमें एक वाई शेप कैसे बना सकते हैं वो सोचो, वाई शेप होना चाहिए ऐसे, एक वो बॉर्डर पे ऐसे ही बॉर्डर से एक ऐसे एक लाइन करके, फिर वो एक लाइन होता है ना उसका सेंटर पे कट नीडल को नीचे, फिर नेक्स्ट वाई कहाँ लेना है उधर ऊपर, नीडल को ऊपर लेकर आते हैं तब तो वो वाई शेप जैसा हो जाता है। वही तो आपको पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन पहले, वो स्लैंडिंग लाइन पहले देते हैं फिर एक छोटा सा कट देते हैं। तो वो कट देने के लिए स्ट्रेट लाइन के ऐसे देखो ऐसे करेंगे तो वो स्पाइक्स आ जाते हैं। एक्चुअली इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कितना भी आप लोग ऐसे ऐसे देख के आप अपने आप करेंगे ना तभी पता चलता है। तो मुझे इसमें एक्सप्लेन करके बोलने मतलब उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, फिर भी ऐसे सुनने में तो ऐसे कुछ ऐसे वॉइस होता है ना तब भी वो देखने में कुछ, वीडियोस देखने में कुछ अच्छा होता है, इसलिए मैं वॉइस दे रही हूँ। अभी देखो फांडा स्टिच कर रही हूँ, वो सेंटर में हमने ऐसे बॉर्डर में लाइंस लाइंस दिया है ना वो ऐसा कर रही हूँ। तो थोड़ा लेंथी में है तो ऐसे स्टेम स्टिच देख के फिर वो फांडा स्टिच कर रही हूँ। तो पूरा फ्लावर ऐसा ही वो पूरा फिनिश करने जा रही हूँ। इधर स्टेम स्टिच के अलावा आप लोगों को और स्टेम स्टिच मतलब क्या स्टिच ये बैक स्टिच भी यूज़ कर सकता है, नहीं तो पेचनी स्टिच होता है ना वो भी यूज़ कर सकता है। तपची स्टिच तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, पेचनी स्टिच तो मिनिमम वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बकिया स्टेम स्टिच करके भी ये फ्लावर देखो बहुत क्यूट लग रहा है ना, ये वाला फ्लावर तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैंने ये नेक में ही ये डिज़ाइन कर रही हूँ, नीचे आप लोगों को चाहिए ऐसे डॉट डॉट की तरह चाहिए तो ये वाला फ्लावर, ये फ्लावर ही काफ़ी है, वो ऐसे कर सकता है ऐसे ऐसे गैप छोड़ के। वो फ्लावर करने के बाद फिर ऊपर हमने एक छोटा सा एक डिज़ाइन दिया है ना वो भी ऐसे उसके बीच में करो, तब तो ऐसे कुछ लोगों को हेवी नीचे भी चाहिए वो लोगों को वो कर सकता है। अभी देखो स्टेम है तो मैं स्टेम स्टिच की कर रही हूँ, तो वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने और वीडियो में बहुत उधर स्टेम स्टिच बहुत सारे यूज़ किया हूँ इसी वीडियो में, तो स्टेम स्टिच कर रही हूँ। फिर देखो वो लाइंस छोटा सा ऐसे मोती जैसा जो हमने ड्रॉ किया है उधर, सब तो आप लोगों को अभी तो पता ही होगा फांडा स्टिच ही करना पड़ता है। फिर देखो वो लीफ लीफ की तरह हमने मार्क किया है उधर, तो मैं चनापति कर रही हूँ क्योंकि इस नेकलाइन में हमने चनापति ही यूज़ किया है मोस्टली, तो बाकी अभी और स्टिच यूज़ करने की कोशिश यूज़ नहीं कर रही हूँ।
इधर तो देखो ऐसे फांडा स्टिच करके फिर बाकी वो लीफ की तरह जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है वो चनापत्ती कर रही हूँ। पूरे वीडियो में मैं 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड से ही सब फिनिश कर रही हूँ। नॉर्मल नीडल यूज करते हैं, ऐसे साइज बोलेंगे तो एक्चुअली वो ऐसे क्या बोल सकते हैं, कोई भी नीडल यूज कर सकते हैं। अपना 6 स्ट्रैंड ऑफ नीडल देखेंगे तो वो नीचे है ना, वो होल थोड़ा लेंथी वाला होल टाइप का नीडल मिलता है ना, वो यूज़ करने की कोशिश करो। तब तो मैक्सिमम वो थ्रेड हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी अंदर जाएगा। फिर थोड़ा लेंथी वाला नीडल, हम सेम साइज़ का भी हमें लेंथ में थोड़ा बड़ा और छोटा साइज से मिलता है ना, तो मैक्सिमम थोड़ा लेंथ में, तब तो ईजी हो जाएगा हम वीडियो कर सॉरी एम्ब्रॉयडरी करने में थोड़ा ईजी लगेगा। फिर तो ऐसे कोई बात नहीं है कौन सा नीडल यूज़ करना है, ऐसे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा थिक वाला नीडल मत यूज़ करो, नीडल का थिन होना चाहिए का ऐसा, जैसे बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है कि यही करना है ऐसा। अभी देखो मैंने नीचे भी वो फिनिश किया है चनापत्ती से, वो लीफ जैसा डिज़ाइन किया और नीचे का डिज़ाइन है वो मैंने ऊपरी बघिया से किया हूँ। अभी देखो नेक्स्ट पे हमने बॉर्डर डिज़ाइन ड्रॉ किया ना, वो फिनिश करने जा रही हूँ। वो तो मैं इसी ही कर रही हूँ, मतलब हमने तो देखो ऐसा ही जस्ट वो रनिंग स्टिच कर रही हूँ। रनिंग स्टिच मतलब हमारा तेपची स्टिच है, तेपची चिकनकारी का ये मोस्ट ईजी स्टिच होता है तेपची स्टिच। तो यही तेपची स्टिच से हम ऐसे पूरा वो लाइन्स है ना पूरा हम यही फिनिश करने जा रहे हैं। थोड़ा सा फांडा स्टिच भी यूज़ कर रही हूँ, बाकी सब तो ये तेपची स्टिच से ही अभी ये बॉर्डर स्टिच फिनिश करने जा रही हूँ। ये वाला एम्ब्रॉयडरी तो हम तो कांदा वर्क भी बोलते हैं ना, ऐसे तेपची स्टिच मतलब कुछ जगह में वो तो कांदा स्टिच बोलते हैं। सब स्टिच को भी है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में, तो सब स्टिच को हम और दूसरे दूसरे नाम से पता करते हैं। इसको भी कांदा वर्क में कुछ और नाम होगा। अभी मैं तो दूसरे एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक वीडियो आप दिखाएंगे मैं। चिकनकारी का वीडियो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना अभी, दूसरा भी एम्ब्रॉयडरीज दिखाने के लिए को मतलब अभी दूसरे वीडियोस भी इस चैनल पे आ जाएगा। इस वीडियो में जैसे जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है वो उस वीडियो में भी मुझे सपोर्ट दे देना प्लीज़। देखो ऐसा ही इधर वो हमने एक सन की तरह ऐसे डिसेंट ड्रॉ किया था, उधर हम फांडा स्टिच कर रहे हैं। डार्क ही फांडा है, थोड़ा सा छोटा सा एक लाइन करके फिर ऐसे फांडा स्टिच जैसा दे रहे हैं। टॉप का है वो थोड़ा लेंथी है तो छोटा सा ऐसे स्टेम स्टिच जैसा दे के फिर फांडा स्टिच कर रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी सब तो हम तो तेपची स्टिच से ही फिनिश कर रही हूँ, मतलब हमारा रनिंग स्टिच से ही पूरा ऐसे फिल करके ही फिनिश कर रही हूँ। देखो ये लीफ भी हम ऐसा तेपची स्टिच से ही कर रही हूँ, तीन बार बॉर्डर कर दिया, बीच में एक लाइन कर दिया बस। तो ऐसा ही हमारा अभी थ्रेड वर्क तो फिनिश हो गया है, अभी हम थोड़ा मुकेश वर्क करने जा रहे हैं। मुकेश वर्क भी करेंगे, फिर मैंने दिखाया था कोइन भी करने के लिए कर रही हूँ, थोड़ा कोइन भी यूज़ कर रही हूँ। देखो ऐसा ही हमने वो आज का पूरा बाकी फिनिश कर दिया हूँ, अभी हम मुकेश वर्क करेंगे। देखो मुकेश वर्क के लिए मैंने लाइट गोल्डन कलर का ही यूज़ किया हूँ, फिर हमने नीडल पे ऐसे नीडल के अंदर डबल होल वाला नीडल क्यों यूज़ कर रहे हैं कि नीचे है ना ऐसे एकदम से नीचे अच्छे से वो थ्रेड आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ट्विस्ट होता है। दूसरे नीडल में करें, नॉर्मल नीडल में करेंगे, लेकिन नॉर्मल नीडल में भी हो जाएगा। फिर अब बाकी सबको है ये ट्विस्ट हो जाते हैं, अच्छे से नहीं होता है मुकेशवर करके करके ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने दिखा रही हूँ वैसे करने की कोशिश करो। और एक और बात है, जितने बार करेंगे ना तभी हमें इसमें प्रैक्टिस मिल जाएगा, तभी हम ऐसे एकदम से अच्छे से हो जाएगा। पहले पहले तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा था। देखो ऐसे नीडल है ना ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है, ऐसे हमारा वो मुकेश वर्क का वो थ्रेड है, मतलब ये मेटल स्ट्रिप है ना, वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। ट्विस्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर पे मतलब क्या बोलते हैं वो लग जाएगा वो,
ठीक है, ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। अब लोग जितने बार करेंगे ना, तब एकदम से वो नीडल ट्विस्ट हो ही जाएगा हमारे हाथ से वो यूज होने पर। फिर देखो ऐसा ही वो होल के अंदर से ऐसे करना है। अभी अब लोगों को दिखाने के लिए मैं होल इतना बड़ा सा छोड़ के वो उसके अंदर डाल रही हूँ, नहीं तो अच्छे से खींचने के बाद ही डाल दो, नहीं तो वो खींचने के टाइम में ही वो ट्विस्ट, देखो ऐसे ट्विस्ट होने की चांस है, ट्विस्ट होना नहीं चाहिए। ऐसे अंदर से लेके स्टार्टिंग में हम नीडल कहाँ से कहाँ तक ले गया था उसी तरह लास्ट में भी थ्रेड ऐसे उस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। देखो ऐसे ही एक छोटा सा तारा ऐसे बनाते हैं। एक और बार मैं दिखाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वो दिखा रही हूँ अभी, मतलब खींच के ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा उधर छोड़ के फिर ऐसे ही प्लस जैसा नेक्स्ट डायरेक्शन में ऐसे करना है। फिर नीडल के होल कहाँ है उस डायरेक्शन में वो उसको ऐसे क्रॉस जैसा इसको ट्विस्ट करना है। फिर ऐसे ही नीडल को खींचो, देखो मैंने अच्छे से खींच लिया। फिर इसको ऐसे ही टर्न करके नीडल को है ना उसके अंदर वो होल के अंदर से खींच लिया। होल के अंदर से नीडल लेकर जाएंगे तो थोड़ा लूज हो जाएगा, तो फिर ऐसे टाइट करके फिर खींच लो, ऐसे करना चाहिए। ऐसा ही होता है, लेकिन आपको लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में वो होल थोड़ा बड़ा करके दिखाया था। ऐसा ही करते एक और बार मैं ऐसे ही कैसे कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। देखो ऐसे 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 ट्विस्ट करते हैं, अच्छे से खींचते हैं फिर उसी डायरेक्शन में। आप लोग जितने बार करके करके ना अपने आप वो अच्छे से हो ही जाएगा, मतलब उतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल रहेगा, लेकिन मतलब प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। ऐसे करेंगे तो ना अच्छे से हो जाएगा। इसी मुकेश वर्क ही करके पूरा सूट है ना अच्छे से बना सकता है, बहुत क्यूट लगता है ये पूरा। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप का मुकेश वर्क करके तो लगेंगे तो बहुत क्यूट लगेगा। अच्छे से नहीं किया तो ना वो चुपता है, हमारे ड्रेस में चुप जाएगा, इसलिए ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। ये वाला मेटल स्ट्रिप है ना, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। ट्विस्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर पे ऐसे स्टिच करने के बाद भी ऐसे चुपने की चुपने की चांस है। इसलिए जैसे मैं कर रही हूँ उसका बहुत एंड है ना वो ऊपर की ओर ही होना चाहिए। देखो ऐसा ही मैंने मुकेश्वर का भी फिनिश कर दिया है। अभी हम ऐसे कॉइंस वर्क करते हैं, कुछ भी नहीं है कॉइन वर्क, तो ऐसे ही हम उसका होल उसमें कहाँ कहाँ चाहिए वो ऐसे ही उधर स्टिच कर रही हूँ। देखो इसमें भी मैंने कॉटन थ्रेड वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ही यूज़ करके ही कर रही हूँ। आप चाहिए तो ब्लैक कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकता है, नहीं तो ऐसे गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकता है। देखो मैंने वो मुकेश वर्क गोल्डन कलर यूज़ किया है, लेकिन वीडियो में तो वो तो सिल्वर दिख रहा है। आपको लग रहा है इधर कॉइन सिल्वर कलर का यूज़ करके ही अच्छा लग रहा है तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो वो मुकेश वर्क का भी और ये कॉइन भी सेम कलर का है, लेकिन वीडियो में तो मुझे भी ऐसे डिफरेंट कलर दिख रहा है। अभी देखो मैं ऐसे ही कॉइन्स तो ऐसे होल के अंदर से लेके दो बार ऐसे उसमें ऐसे ही देखो ऐसे करके, फिर एक और बार होल के अंदर से लेके दो बार करके नेक्स्ट कॉइन ऐसे लगा रही हूँ। कैसे भी ऐसे ही सिंबल ही लगा रही हूँ। अभी देखो आप लोगों को ऐसे अभी इतना मैं तो इतना ही बना रही हूँ नेकलाइन में। आपको बॉर्डर चाहिए नीचे एक बॉर्डर की तरह, जो हमने बॉर्डर डिजाइन ड्रॉ किया है ना ये तीन बॉर्डर्स है वो ड्रॉ करके वो नीचे भी बॉर्डर की तरह बना सकता है। और स्लीव भी देखेंगे तो आप लोगों को कर सकता है तो ऐसा ही तीन बॉर्डर करके फिर वो ऊपर डॉट्स है ना वो पूरा स्लीव में हमारा फुल स्लीव बना रहे हैं। नीचे ऐसे बॉर्डर देके ऊपर वो लीफ की तरह डिजाइन है वो पूरा फिनिश करके स्लीव पूरा फिनिश करेंगे ना तब तो बहुत क्यूट लगेगा। और नीचे एक बॉर्डर इतना करेंगे तो बहुत बहुत मस्त लगेगा। देखो हमारा अभी नेकलाइन तो फिनिश हुआ है, तो करके देखो। आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में किया है, आप लोग करके देख रहे हो तो मुझे वो उसका फोटो भी प्लीज़ इंस्टाग्राम में भेजो, तो नहीं तो वो व्हाट्सअप भी कर सकता है। तो मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।